बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सा आला हजरत का थोड़ा सा तारफ थोड़ा सा करना कराना चाहूँगा कि जब हमारे मेरे जद्द अमजद आला हजरत ने तालीमी सारा तालीम मुकम्मल करके दीनी तालीम मुकम्मल करके आप बैत होने की गरज से यहाँ लिल्ला शरीफ से रवाना हुए। ज़ेहन में ख़्याल था कि तौसा शरीफ जा के बैत हुए होने, आप चले गए। उस वक्त पैदल दौर था, पैदल ही सफ़र हुआ करते थे। आप पैदल तशरीफ़ लेके जा रहे थे, रास्ते में शाहपुर सरगोदा के करीब शाहपुर एक मस्जिद थी, वहाँ आपने क़्याम किया और वहाँ पे ही पीर कसूरी दायमल हजूरी कसूर शरीफ वाले हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम मोहीउद्दीन कसूरी दायमल हजूरी वहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे अपने तबलीग के दौरे के सिलसिले में। तो आला हज़रत ने ज़ेहन में कहा कि चलो अब पीर साहब यही तशरीफ़ लाए हुए हैं कसूर शरीफ वाले, इन्हीं की बैत हो जाते हैं, हमारा सफ़र जो है वो तौसा शरीफ वाला ख़त्म कर देते हैं, यही इन्हीं की बैत हो जाते हैं। तो पीर कसूरी ने असर की जमात कराई, जमात कराई तो पीर कसूरी की थोड़ी सी टांग में मसला था, यहाँ पे थोड़ा सा ना पीर कसूरी पे थोड़ा सा निकला हुआ था, तो वो थोड़ा सा मुस्तहब जो होता है बैठने का उससे थोड़ा सा हट के बैठे क्योंकि उस पर थोड़ा सा निकला हुआ था। अच्छा वो बैठे तक या तो पीछे हमारे आला हजरत भी खड़े हुए थे, तो जिस वक्त आला हजरत ने देखा कि इनको तो मुस्तहब का ही नहीं पता, ज़ेहन में ख्याल किया इनको तो मुस्तहब का ही नहीं पता, तो इनको ये तो यहाँ बात नहीं बनी, आगे चलते हैं तौसा शरीफ। ज़ेहन में ख्याल आया, ये ख्याल करके जिस पीर कसूरी ने नमाज के बाद दुआ फरमाई, दुआ फरमा के जब आला हजरत जा रहे थे तो पीर कसूरी ने फरमाया कि वो जो मौलवी साहब जा रहे हैं इनको ज़रा बुलाइए। तो दरवेशों गए बुलाया, आला हज़रत हाज़िर हो गए। आला हज़रत ने अर्ज़ की कि जी बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। तो पीर कसूरी ने फरमाया आप तौसा शरीफ जाना चाहते हैं तो बेशक जाएं, मैं आपको मना नहीं करूँगा। वो असल में यहाँ पे मुझे याद तकलीफ़ थी, थोड़ा सा निकला हुआ है, वरना मुस्तहब तो मुझे भी पता है कि मुस्तहब क्या है, उस थोड़ी की वजह से मुझे उज़र है, उस उज़र की वजह से मैं थोड़ा सा तहयात सही नहीं बैठ सकता, पर मुस्तहब तो मुझे भी पता है, आपने जाना है बेशक तौसा शरीफ जाए। फिर कोई पीर कसूरी अपना आला हजरत ने अर्ज़ की कि अब मैंने कहाँ जाना, अब मैं आपकी ही बैत होगा, वहीं फिर आप पीर कसूरी की बैत हो गए हमारे आला हजरत। फिर वहाँ पर सबका असबाक चलते रहे, रूहानी सफ़र चलते रहे, फिर हमारे आला हजरत बाकायदा, फिर पीर कसूरी ने बाकायदा खिलाफत दी, खिलाफत से नवाजा, और फिर पीर कसूरी ने हुक्म दिया कि इधर मेरा हजूर पाक का आपने मेराज पाक मनाना है हर साल 26 रजब को, आपने बाकायदा हुक्म फरमाया। फिर आला हजरत से लेकर आज तक हम वो उसी सुन्नत पे